बीवी से जमा करने का इस्लामी तरीका। बीवी से हमस्त्री करने का इस्लामी तरीका चंद अहम मसाइल। खास जमा हमस्त्री मुबाशरत के वक्त हद करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का खतरा है। इसी तरह इस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करने से भी बचना चाहिए कि बच्चा आंधा होने का इम्कान है। यूं ही बिल्कुल बरहना नंगे भी हमस्त्री मुबाशरत सहबत ना करें, वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा है। और अहम टिप, कमरे में ज़ीरो पावर के बल्ब का अहतमाम ज़रूर करें। और अगर कपड़े बिल्कुल उतार कर हम बिस्तरी करना है तो एक बड़ी चादर दौरान हम बिस्तरी अपने ऊपर ओढ़ लें ताकि पर्दा पोशी हो सके। बिल्कुल नंगे होकर हम बिस्तरी करना गधा गधी की तरह जुफ्ती करना कहलाएगा, जो कि शरीयत के नज़दीक नापसंदीदा अमल है। नंबर 4, हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना असुन्नत है और ये दुआ पढ़ ले, मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले पढ़े। और सबसे बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हो तब ही बिस्मिल्लाह पढ़कर दाया कदम अंदर दाखिल करें। और अगर हमेशा ऐसा करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक हो जाएगा। नंबर 5, औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा शहवत है, मगर इस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। नंबर 6, जमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी जायज़ नहीं और वो सख्त गुनाह है। मेरे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मालूमती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह।